नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं सोनू विनायक यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रामायण धारावाहिक भारतीय टेलीविज़न पर प्रसारित हुए ऐतिहासिक धारावाहिकों में से अब तक का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला टेलीविज़न शो बन चुका है। इसने अपने दो बार के प्रसारण में जो रिकॉर्ड कायम कर दिए है वो आज तक के इतिहास में भी किसी टेलीविज़न धारावाहिक के नाम नहीं है। इस धारावाहिक की कास्टिंग भी बिल्कुल सटीक की गई थी। जिस तरह के पात्र उन कलाकारों को दिए गए थे उन्होंने जीवंत कर दिए। निर्माता निर्देशक रामानंद सागर ने इस धारावाहिक का निर्माण करके बहुत ही ख्याति प्राप्त की है। ये उनके जीवन की महान कृतियों में से एक था। इस पौराणिक सीरियल के सभी किरदार की तारीफ की जाती है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि असल जीवन में भी पिता पुत्र ने इस धारावाहिक में ससुर और दामाद की भूमिका निभाई थी। महाराज दशरथ की सबसे छोटी रानी सुमित्रा के पुत्र शत्रुघ्न का किरदार निभाने वाले अभिनेता का नाम शमीर राजदा और सीता के पिता के जनक का किरदार निभाने वाले मूल राजदा थे। वैसे ये दोनों साथ में सीरियल में ससुर और दामाद के किरदार में दिखे थे, लेकिन असल जीवन में भी समीर राजदा अभिनेता मूल राजदा के पुत्र हैं। हालांकि अब अभिनेता मूल राजदा इस दुनिया में नहीं है, पर वो अपने समय के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक थे और रामायण के अलावा उन्होंने कई धारावाहिकों और गुजराती फिल्मों में भी काम किया था। 1987 में शुरू हुए धारावाहिक रामायण उस दौर का अकेला टीवी प्रोग्राम था जिसने हर एपिसोड से 40 लाख से ज़्यादा की कमाई की थी। इतनी बड़ी रकम थी कि उस समय के बड़े बजट की फिल्म भी इतनी कमाई नहीं कर पा रही थी। इस धारावाहिक को एक बार फिर से 2020 में दूरदर्शन और स्टार प्लस दिखाया गया और इसने दूसरी बार प्रसारण में भी कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो दोस्तों ये था वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।